करते हैं? अभी मैं स्टडी पास आउट होके और अभी इसमें बिजनेस में हूँ। बिजनेस में? yes. कौन सी, मतलब ये बिजनेस? अच्छा, वेस्टीज में। तो आपको क्या इसमें अच्छा लगा, जो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये जॉब करना इसलिए पसंद नहीं है कि किसी के नीचे मैं काम करना नहीं चाहती हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं? तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। ओके, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और बेस्टीज करते हुए मुझे 4 मंथ हो गए हैं। ओके, एक्चुअली मेरे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने बस वो फूड सप्लीमेंट लिए। मैंने फूड सप्लीमेंट लिए बेस्टीज के, उसका बहुत इफेक्ट मेरी बॉडी पे आया। okay. तो मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, ताकि मेरी वजह से दूसरों की हेल्थ भी सुधरती जा रही है, और मैं बहुत खुश हूँ ये बिजनेस करते हुए। जॉब में क्या था, मेरे को 8 घंटे जाना है और वहाँ दूसरे के अंडर काम करना है, या मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। okay. और नए नए लोगों से डील हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं ये। अच्छा, तो बाकी प्रैक्टिस भी मैं नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं कोई ऐसी सूट नहीं करता है। ओके, अर्थराइटिस की वजह से, और जॉब का बर्डन भी मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। किसी के अंडर काम करना नहीं चाहती? यहाँ पे तो किसी के अंडर तो काम करते होंगे ना, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ मैं किसी के अंडर काम नहीं करती, यहाँ मेरा अपना डिसीजन है, मेरा खुद का बिजनेस है, जैसे मुझे बिल्ड करना है वैसे करती हूं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं? इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट 0 इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो आपने अभी कितना साल हो गया? कितना मुझे यहाँ से जुड़े हुए 4 मंथ हो गया है, मैं यहाँ से 70,000 ले चुकी हूँ। ओह माय गॉड, 70,000 डायरेक्टर में यहाँ पे। गोल्ड डायरेक्टर। जो अभी स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों का फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। okay. आपको दूसरे के आर्ट्स खरीदना पसंद है, या दूसरों के नीचे अपने आर्ट्स को सेल करना आपको पसंद है? अगर दूसरों के नीचे आप अपने आर्ट्स को सेल करोगे, तो आपकी हालत देख लेना क्या होगी, कि बॉस आपके ऊपर ऑर्डर चलाता है। वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ मतलब यहाँ पे जो है उनको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कितना क्रिटिकल लाइफ होता है। सो आप जो जैसे हर एक लोगों की यही सोच होती है कि एक तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब चलता आ रहा है कि पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, फिर हमें भी अच्छे तरह से पढ़ना है और पढ़ के जॉब करना है, तो ये एक मेंटेलिटी हमारी बन गई है। ओके, 4 टाइप्स के लोग होते हैं इसमें आ जाता है, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो हमारी अभी तक यही थिंकिंग बनी हुई है कि हम तो सिर्फ हमें जॉब ही करनी है, क्योंकि हमारी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी जॉब ही करते आ रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को स्विच कर सकते हो बिजनेस में, क्योंकि इस बिजनेस में 0 इन्वेस्टमेंट है। बाकी बिजनेस के लिए आपको क्या होगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगा के आप 1,00,000 कमाओगे, और यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट पर आप 1,00,000 कमा सकते हो। ओह माय गॉड, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। लाइन में जाना था कि मुझे ना लगे कि मैं किसी के दबाव में काम कर रही हूँ या ऐसे वैसे, तो मैंने यहाँ पे देखा सबको करते हुए और बहुत जल्दी आगे बढ़ते हुए देखा, और नॉलेज भी देखा सबका, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी इसको। ठीक है, हेलो, आपका नाम क्या है प्लीज़? सर चिराग, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा से बिलोंग। ओके, स्टूडेंट हो? यस। तो कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? BSc फाइनल ईयर। BSc फाइनल ईयर। ओके, BSc फाइनल ईयर में। सो आप अभी पढ़ाई करने के साथ साथ अभी ये वेस्टीज कर रहे हो? जी। सो चिराग जी, आपने वेस्टीज को करीबन 5-6 महीना हो गया स्टार्ट किए हैं, तो आज ए बिजनेस को छोड़ के कुछ कुछ एरिया जो स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि मेट्रो सिटी में जाने के बाद हम लोग को जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हो, तो आप जॉब के पीछे नहीं भाग के, आप क्यों ये चीज़ को क्यों, इसमें क्या ऐसे है जो आप भाग मतलब इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं? जॉब करना है या बिजनेस करना है या अपने ड्रीम के लिए कुछ भी काम करना है, वो सबसे पहले शुरुआत होता है हमारी मेंटेलिटी के ऊपर से, कि हम किस माहौल में रहते हैं, हमारे अंदर क्या मेंटेलिटी बनाई गई है। अगर हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे सभी लोग ऐसे जॉब करते हैं, तो हमारी मेंटेलिटी उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। ओके, ऐसे सपोज बात करूँ, मान लीजिए अगर हमारे पड़ोस में 30,000 या 40,000 रुपए के वाले जो भी सैलरी या जॉब करते हैं, वो ना ड्रीम्स पे अपने काम नहीं करते। ओके, तो देखिए ये जो ड्रीम्स वगैरह होते हैं कुछ ही लोगों के होते हैं। अच्छा, 20 है। ओके, देखिए 20 इयर्स में आपका ड्रीम्स क्या है, सेट क्या सेट करके रखे? ड्रीम्स में स्टार्टिंग से, लेकिन वेस्टीज बिजनेस के आने के बाद मेरा जो माइंडसेट है बिल्कुल क्लियर हो गया कि डेडिकेशन है, कमिटमेंट है अपनी ड्रीम्स के लिए, या जो भी वो पूरा करना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर पूरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के होते हुए मैंने देखे हैं। ओके, क्योंकि जीरो फील्ड से उठकर कोई आम आदमी, खास आदमी बन जाता है, इस फील्ड में 1,000 लोग हैं।
एक दो नहीं बिल्कुल हजारों लोग हैं यहाँ पे और जिनसे काफ़ी हम मिल भी चुके हैं, उसके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस हमने पूछे हैं, उन्होंने शेयर किए हैं, तब पता चला है कि देखिए एक मैंने लेख में भी पढ़ा था कि ऊपर वाला हमें ऐसी किसी भी मुसीबत में नहीं डालता जिससे निकलने की काबिलियत उसने हमें नहीं दी। अगर प्रॉब्लम में डाला तो उससे निकलने की क्षमता हमारे अंदर है, वो एबिलिटी को हमें सिर्फ पहचानना है। ओके, सो आपका कमाई कितना है, मतलब मंथली अभी तक क्या है? अप्रोक्स लगभग 10,000 प्लस है मेरा, अभी डायरेक्टर लेवल है मेरा, 5 महीने में स्टडी के साथ साथ कर रहा हूँ और बीएससी फाइनल ईयर है मेरा। तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ ये चीज़ को करने के साथ साथ आपने कमाई भी शुरू कर दिया है, इट्स अ गुड थिंग है ना। स्टार्टिंग से ही सोच रहा है कि मेरा कि सेल्फ डिपेंड रहूं मैं, फैमिली पे डिपेंड। तो पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा जॉब करेंगे, सो आपको क्या लगता है उनके लिए क्या है, जॉब से वो जो कमाई कर रहे हैं क्या यहाँ से उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या क्या है? और आज के टाइम में आपको पता हो कि आज का लेवल मतलब जॉब करने का जो समस्या है तो किस प्रकार का, क्योंकि आप NCR में शायद रहते हो तो आपको पता होगा ये डिटेल्स में, प्लीज़ उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, वो सब चीज़ें हमारी मेंटेलिटी के ऊपर होती है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोच उसी के अकॉर्डिंग ढलती जाती है। ओके. अब बात आती है अपने ड्रीम्स पूरे करने वाले की, शायद मेरी नज़र में या मैंने अभी तक जो रिसर्च किया, वैसे इसको ज्वाइन करने से पहले 6 महीने मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो भी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग अंदर जो चल रही है 6 महीने रिसर्च किया था, उसके बाद मैंने वेस्टिज को एज ए करियर मैंने स्टार्ट किया इसको। ना मैं जॉब कर, मेरा स्टार्टिंग से विज़न नहीं रहा है कि मैं जॉब करूं, मुझे नौकर नहीं बनना किसी का, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, सेल्फ एम्प्लॉय मैं करना चाहता हूं यहां पे। उसी के रिगार्डिंग ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जहां मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और अपने ही जैसे मैं काफ़ी लोगों के पूरे कर सकता हूं, तो उसी मिशन के साथ मैं वेस्टिज में काम कर रहा हूं। और बाकी जो आती है कि हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स पूरे कब होंगे, जब हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है। देखिए हम कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज होते हैं, पजल होते हैं कि हमें चाहिए क्या दो चीज़ों में लेकर, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट है बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो गॉड भी आपको कैसे देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।